प्रॉब्लम ऑफ बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट। देखिए इंडिया से हर साल बहुत सारे बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट पास होते हैं और फिर शुरू होता है उनका स्ट्रगल। देखिए बहुत कम फॉर्चुनेट स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका प्लेसमेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में होता है, लेकिन अगर हम कहें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन के बाद स्ट्रगल करते हैं टू अर्न 25,000 to 30,000 पर मंथ, और अगर उनको जॉब मिल भी जाती है तो किसी सीए फर्म में, किसी मीडियोकर फर्म में एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो पाता जिससे कि वो लॉन्गर रन में अपने करियर को स्टैब्लिश कर सके। सो आफ्टर ग्रेजुएशन आपको एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन को अचीव डेफिनेटली करना चाहिए। या तो आप अपनी ग्रेजुएशन की जर्नी में ही किसी प्रोफेशनल डेजिग्नेशन को अचीव कर लीजिए, या अगर आपका ग्रेजुएशन हो भी चुका है तो भी आपको किसी प्रोफेशनल डिग्री को डेफिनेटली अचीव करना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में जॉब करना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। अब देखिए कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन इन ट्रेडिशनल कोर्सेज के अलावा भी, क्योंकि आज वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो चुका है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आज अपने वर्क को कर रही हैं। सो फाइनेंस और अकाउंटिंग का हब है इंडिया। तो अगर बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट अपनी स्किल को इंप्रूव कर लेना, डेफिनेटली वो बहुत आसानी से मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब को अचीव कर सकता है। सो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बीकॉम स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है। तो चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉम के बाद किसी प्रोफेशनल डिग्री के साथ अपने करियर को स्टार्ट करते हैं ना, तो आप अपने करियर पे पीक पे पहुंच सकते हैं। तो आपको ग्रेजुएशन के बाद एक सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपने किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लिया जो आपके फ्रेंड ने लिया था, या आपने फैमिली प्रेशर में आके कोई ऐसा डिसीजन ले लिया और फिर आप उसको आधे मन से अगर करते हैं तो डेफिनेटली आप स्ट्रगल करेंगे। हो सकता है वो प्रोफेशन को आप अचीव भी ना कर पाए और मिड ऑफ द कोर्स आपको वो कोर्स लीव ना करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, कंपनी सेक्रेटरी में एडमिशन ले लेते हैं, या सीएमए में ले लेते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन 4 से 5 साल का होता है, तो फिर वो कोर्स को पूरा नहीं कर पाते हैं और फिर उनका स्ट्रगल और भी ज्यादा होता है। तो गाइस आज मैं आपसे डिस्कस करूं 2 वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के कोर्स। एक है इनरोल्ड एजेंट यूएस टैक्सेशन, एक सब्जेक्ट में मास्टरी, यूएस टैक्सेशन में मास्टरी। अगर आप इस प्रोफेशन को अचीव कर लेते हैं, और गाइस इस प्रोफेशन का ड्यूरेशन केवल आप डेडिकेशन के साथ में पढ़े ना, 6 मंथ में आप इसको पास करें। स्टार्टिंग पैकेज आपका 40,000 to 50,000। तो अगर आप यूएस टैक्सेशन को अचीव कर लेते हैं, आप अमेरिका के टैक्स एक्सपर्ट, और नो डाउट आपको स्टार्टिंग में कोई 50 लाख 20 लाख का पैकेज नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे 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 आप यूएस टैक्सेशन में एक्सपर्टाइज को अचीव कर लेंगे और आपके पास एक स्पेशलाइज्ड स्किल होगी, और इस स्किल के बेसिस पे आप अपने करियर के हाइट्स को अचीव कर सकते हैं। तो एनरोल्ड एजेंट एक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कोर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसको आप अगर डेडिकेशन के साथ में पढ़ें तो 6 मंथ में अचीव कर सकते हैं। और ये कोर्स आपके लिए बिग 4 मल्टीनेशनल कंपनीज के गेट आपके लिए ओपन कर देता है। तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यूएस टैक्सेशन के इस प्रोफेशन को अचीव कर सकते। और आप गूगल पर रिसर्च कीजिए, आप payscale.com पे जाके सैलरीज देखिए, लिंक्डइन प्रोफाइल में जाके देखिए लोगों की, कि एनरोल्ड एजेंट अमेरिका के टैक्स एक्सपर्ट का एक लाइसेंस है, और ये लाइसेंस आपको ना केवल रिटर्न प्रिपरेशन बल्कि आईआरएस के सामने रिप्रेजेंट होने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और ग्लोबल मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो एक इंटरनेशनल आपका करियर बन जाता है। आप कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सिंगापुर, गल्फ, हर कंट्री में यूएस टैक्सेशन की रिकॉग्निशन है। और गाइस अगले प्रोफेशन की बात हम कर रहे हैं यूएससीएमए, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देखिए गाइस एक ये ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक डेजिग्नेशन जो आफ्टर बीकॉम आप लेस देन 1 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं, और यूएससीएमए एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको ग्लोबल लेवल पर रीच देता है। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ऐसा प्रोफेशन जिसकी ना केवल इंडिया में बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड रीच है। तो अगर आप लेस देन 1 ईयर में अपने एक अच्छी प्रोफाइल को अचीव करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज Big 4 में जॉब को अचीव करना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है तो डेफिनेटली ये प्रोफेशन आपके लिए लेस देन 1 ईयर में आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में रीच देता है। बेनिफिट आपके पास एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है। तो चाहे फिर एनरोल्ड एजेंट हो या USCMA हो, ये वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के कोर्स हैं और बेस्ट पार्ट इन कोर्सेज की ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी, ग्लोबल मोबिलिटी। चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाएं ग्रेजुएशन के बाद, चाहे US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, गल्फ कंट्रीज, हर जगह USCMA को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट शॉर्ट टर्म है, आप केवल B.com ग्रेजुएशन होने के साथ वो सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। हाँ, लाइफ में कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन विदाउट प्रोफेशनल डिग्री आपको कभी भी वो कैडर नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपका B.Com ग्रेजुएशन है, लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेस टाइम और ग्लोबल रीच में ये दो ऐसे शॉर्ट टर्म प्रोफेशन है जो आपको शॉर्ट टर्म में, जो आपको बहुत कम समय में एक अच्छी प्रोफाइल में जॉब को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं और सीधे आपकी जो रीच होगी वो मल्टीनेशनल कंपनीज में होगी। तो आज ये पार्ट 1 का वीडियो है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया। अगले सेगमेंट में जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो मैं और फर्दर कोर्सेज लाइक ACCA, CPA, सीमा, FRM और CFA के बारे में भी डिस्कस करूंगा। लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बेस्ट कोर्स एनरोल्ड एजेंट और USCMA आपके लिए सूटेबल रहेगा। और एक और बात, लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मैंने लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म को क्या किया है, कंसीडर किया। होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।